माई डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 11th इंग्लिश पोएट्री की जो फर्स्ट पोएम है अ फोटोग्राफ, उसके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे। व्हाट डज द कार्डबोर्ड हियर रिफर टू? आंसर है द बर्ड। कार्डबोर्ड इन द पोएम रिफर्स टू द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर enjoying a sea holiday with her two cousins। जो कवित्री की माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ में सागर के किनारे अपनी छुट्टी का आनंद ले रही थी, ऐसा फोटोग्राफ में जिक्र पाया जाता है। Who is the big girl mentioned in the poem a photograph? तो प्रश्न है कि big girl किसके लिए शब्द आया है, तो the big girl is the poet's mother। Who does she refer to in the poem? She refers to the poet's dead mother। तो इस कविता के अंतिम पैराग्राफ में ये जिक्र आता है, तो ये कौन है? ये कवि की मृत माँ। इसके उपरांत आपका प्रश्न आता है, why is there nothing to say about death of the poet's mother? तो nothing to say about the death of the poet's mother because the death of her mother has left a deep wound इन हर हार्ट। तो कवित्री के हृदय में उसकी माँ की मृत्यु ने बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन द सेम एज इवेंट्स दैट चेंज योर लाइफ और विच यू हैव नो कंट्रोल? तो वो कौन सा शब्द है जिसका मीनिंग ये है, इवेंट्स दैट चेंज योर लाइफ ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल, जिस पर आप पर आपका कोई नियंत्रण ना हो। तो इस कविता में वो शब्द आया था वर्ड circumstance, अर्थात परिस्थितियाँ, means that events that change your life over which you have no control। Who were Dolly and Betty? इस कविता का जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि Dolly और Betty, इस कविता में नाम जो दिए गए हैं कौन है ये? Dolly and Betty were the cousins of the poet's mother। Dear children, ये थे इस पाठ के extract based questions, इनको याद करें और अपने friends को share करें, like करें। Okay, students, goodbye.